हेलो स्टूडेंट्स, हियर वी आर विथ अवर रिटर्न वर्क ऑफ क्लास थर्ड इंग्लिश. सो वी आर डूइंग अवर फर्स्ट चैप्टर्स क्वेश्चन आंसर विच द चैप्टर नेम इज़ गुड मॉर्निंग. तो बच्चों, हम अभी अपना रिटर्न वर्क कर रहे हैं क्लास थर्ड चैप्टर वन गुड मॉर्निंग. सो टेक आउट योर कॉपी एंड पेंसिल. वी हैव डन टू क्वेश्चन आंसर्स. हमने दो क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई इज़ द चाइल्ड इन द पोएम हैप्पी. आंसर इज द चाइल्ड इन द पोएम इज़ हैप्पी बिकॉज इट इज़ मॉर्निंग. सेकंड क्वेश्चन इज टू होम डज द चाइल्ड से गुड मॉर्निंग. एंड द आंसर इज द चाइल्ड से इज़ गुड मॉर्निंग टू द स्काई, सन, विंड, बर्ड, ट्रीज, ग्रास एंड ब्राउनी बीज. सो वी हैव डन टू क्वेश्चन आंसर. नाउ वी विल डू थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, विच इज WHAT what? What means क्या? DOES does, does means करना. THE the means the. CHILD child, child means बच्चा. WANT want, want means चाहना. TO2 to means को. DO2 do means करना. What does the child want to do? बच्चा क्या करना चाहता है. तो इस पोएम में बच्चा क्या चाहता है? He wants to go out and play विथ सन, स्काई, विंड, बर्ड, ट्रीज, ग्रास एंड बीज. बच्चा बाहर जाना चाहता है और बर्ड, स्काई, विंड, ट्रीज, ग्रास इनके साथ खेलना चाहता है. सो वी विल राइट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एंड मेक गुड हैंड राइटिंग. ओके, नाउ स्टार्ट राइटिंग. राइट क्वेश्चन नंबर थ्री. क्वेश्चन three, what 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 does 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 the 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 child 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 want. WANT want to TO2 do DO2. तो थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डज द चाइल्ड वांट टू डू. द आंसर ANS. राइट द आंसर ANSWE आंसर. नाउ द THE the child 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 wants 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 to TO2 go जियो को आउट. ओ यू टी आउट एंड ए एन डी एंड प्ले with 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 sun 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 sky 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 winds WIND DS wins.
बर्ड्स, BIRDS बर्ड्स. ट्रीज, TREES ट्रीज. ग्रास, GRASS ग्रास. एंड AND बीज, BEES बीज. So that our third question is, what does the child want to do? The answer is, the child wants to go out and play with sun, sky, wind, birds, trees, grass and bees. Now look at book. TALK talk, TIME time, talk time. INN, it means me. THE, MORNING morning, morning means सुबह. I means मैं, SAY say, same means कहना. GOD good, MORNING good morning, good morning सुप्रभात. In the morning I say good morning, सुबह मैं सुप्रभात कहता हूँ. AT means पर, NIGHT night, night means रात. I means मैं, SAY say, same means कहना. GOD good, NIGHT night. At night I say good night, good night means शुभ रात्रि. At night I say good night, रात में मैं शुभ रात्रि कहता हूँ. A means एक, DOG dog, dog means कुत्ता. SAY say, says means कहना, कहता है. Bow bow, तो जैसे bark करता है ना dog, तो इस ऐसी आवाज आती है ना bow bow, तो a dog says bow bow, एक कुत्ता bow bow कहता है. A means एक, COW cow, cow means guy. SAY says means कहना. Momo, a cow says momo, तो cow कहती है ना momo करती है ना, तो इस तरह से एक गाय क्या कहती है momo. तो आपसे कहा है, इसमें अब आपसे क्वेश्चन किया है. SAY says means कहना. GOD good, MORNING morning, good morning, good morning means सुप्रभात. INN, in means मैं. YOUR, your, your means तुम्हारा. OWN, own, own means अपना, स्वयं का. LAN, JUA, GE, language means भाषा. TO2, two means को. YOUR, your means तुम्हारा. FRIENDS, friends means मित्र. YOUR, your means तुम्हारा. TEACHER, teacher means अध्यापक. Say good morning in your own language to your friends, your teacher. तो आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में अपने फ्रेंड्स को और अपने जो टीचर हैं उनको गुड मॉर्निंग कैसे कहेंगे आप, ये आपसे पूछा. तो नॉर्मली आप जब अपने फ्रेंड से मिलते हैं तो उनको गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं, और जब अपनी टीचर को भी मिलते हैं तो उन्हें भी गुड मॉर्निंग ही कहते हैं. सो उनको हम बुक कॉपी में करेंगे. नाउ नेक्स्ट स्टार्ट राइटिंग. टॉक टाइम, TALK टॉक टाइम, TIME टाइम, टॉक टाइम. सो द फर्स्ट इज say, SAY say. Good, GOOD good. Morning, MORNING morning. Good morning. In, IN in, in your, YOUR your. Own, OWN own,
own. Language L A N L A N G U A G E in your own language. 2. फर्स्ट किसको कहा है? यूअर YOUR यूअर फ्रेंड्स FRIENDS friends. And second, your teacher, TEACHER, teacher. Okay, now आंसर. तो आप अपने फ्रेंड को क्या क्या कैसे विश करते हैं? गुड मॉर्निंग. जैसे आपके फ्रेंड का नाम अगर राहुल है तो आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग राहुल, बोलेंगे ना ऐसे. जो भी आपके फ्रेंड का नाम है आप इस तरह से उसे विश करेंगे ना. तो फर्स्ट है योर योर फ्रेंड योर फ्रेंड. तो आप अपने फ्रेंड को कैसे कहेंगे? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. अगर आपके फ्रेंड का नाम राहुल है तो आप राहुल लिख सकते हैं. जिसके भी फ्रेंड्स का जो भी नाम होगा वो आगे अपने फ्रेंड का नाम लिख सकता है. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर राहुल लिखा हुआ है. आप भी लिख सकते हैं इस तरह से. आप इस तरह से अपने फ्रेंड को जब आप सुबह स्कूल आते हैं तो आप ऐसे ही विश करते हैं, है ना, गुड मॉर्निंग. जो भी आपके फ्रेंड का नाम होता है आप नाम लेते हैं ना, तो इस तरह से आप विश करते हैं. नाउ सेकेंड इज यूअर teacher YOUR your teacher 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 your teacher. तो आप कैसे करते हो? गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैम. ऐसे बोलते हो ना आप जब सुबह मॉर्निंग में स्कूल आते हो तो अपने टीचर को ऐसे गुड मॉर्निंग विश करते हो ना. तो गुड मॉर्निंग मैम. तो ये आपका फर्स्ट हो गया क्वेश्चन. अब आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा है. इसमें देखिए सेकंड है, इसमें देखिए हाउ HOW हाउ हाउ मीन्स कैसे. WOULD वुड मीन्स करोगे. YOUU मीन्स तुम. WSHI विश मीन्स अभिवादन करना. THEM देम मीन्स उन्हें. WHEN वैन मीन्स जब. YOUU मीन्स तुम. LEAVE लीव मीन्स छोड़ना. SCHOOL स्कूल, स्कूल मीन्स विद्यालय. INN इन मीन्स मैं. THE द मीन्स द. EVENING इवनिंग, इवनिंग मीन्स शाम. हाउ वुड यू विश देम व्हेन यू लीव स्कूल इन द इवनिंग.
तो आपसे पूछ रहे हैं कि जब आप शाम को विद्यालय छोड़ के घर जाते हो, यानी विद्यालय से घर को वापस जाते हो, तो आप उन्हें कैसे विश करोगे, कैसे उन्हें अभिवादन करोगे, उन्हें किस तरह से कैसे विश करोगे आप शाम को जब आपको इवनिंग को आप विद्यालय से घर जाओगे, तो आप क्या बोलोगे? आई विश देम गुड इवनिंग। तो आप उन सबको कैसे विश करोगे? गुड इवनिंग करके विश, गुड इवनिंग कहोगे ना शाम को जब आप घर को जाते हो। यस, शाम को गुड इवनिंग। क्वेश्चन टू, हाउ एच ओ डब्ल्यू हाउ वुड डब्ल्यू ओ यू एल डी वुड यू वाई ओ यू विश डब्ल्यू आई एस एच विश देम टी एच ई एम देम when w h e n when u y o u leave l e a v e leave school s c h o o l school in I N N the T H E the evening E V E N I N G evening. So how would you wish them when you leave school in the evening? I wish good evening to them. तो आप कैसे विश करोगे उन्हें? I would wish them good evening. G-O-O-D, good evening. E-V-E-N-I-N-G, evening. I would wish them good evening. तो आपसे पूछ रहा है, how would you wish them when you leave school in the evening? I would wish them good evening. So, this we completed our first chapter's question answer. Make good handwriting. Okay. Thank you. Have a nice day.